मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। रस्मे जफा कामयाब, देखिए कब तक रहे, हुब्बे वतन मस्ते ख्वाब, देखिए कब तक रहे। हसरत मोहानी की जिंदगी का एक अहम पहलू यह है कि वो शायर होने के साथ साथ तहरीक आज़ादी के भी एक सरगर्म रुकन थे, और इस आज़ादी के हुसूल के सफ़र में हसरत मोहानी ने कई बार कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कीं, बल्कि अपनी ज़माने कैद के एक शेर में वो कहते हैं, है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। यानी हसरत की तबीयत और मिजाज एक अनोखा तमाशा है कि कैद बामुशक्कत भी काट रहे हैं, जेल में चक्की भी चला रहे हैं, और साथ में शेर व शायरी भी हो रही है। तो ये गज़ल भी एक सियासी पस मंज़र में है। इसका ताल्लुक हमारे ना इश्क मजाजी से है, ना इश्क हकीकी से है, बल्कि ये एक सियासी नौइयत की गज़ल है जिसमें उस ज़माने के हालात का एक अक्स नज़र आ रहा है। मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक बरे सगीर पर हुकूमत की, और उसके बाद 1857 में एक रही सही मुसलमानों की जो इज्जत थी और एक नाम नहाद हुकूमत और बज़ाहिर बादशाहत और बादशाह भी मौजूद था, तो वो आखिरी चिराग भी गुल हो गया। इस नाकाम जंग के बाद मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, क्योंकि जब अंग्रेज़ ने इस जंग में इस बगावत पर काबू पा लिया, तो अंग्रेज़ के सामने हिंदू अपनी रवायती चालाकी का मुजाहरा करते हुए बेगुनाह बन गया, और उन्होंने सारा इल्ज़ाम मुसलमानों को दिया कि दर हकीकत इस बगावत में मुसलमानों ही की कोशिश थी, हम तो इनके साथ शामिल हो गए। उसके नतीजे में मुसलमानों पर बहुत जुल्म तोड़े गए, कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त कीं, लोगों को काले पानी की सज़ा, जज़ायर इंडमान को काला पानी कहा जाता है, काले पानी की सज़ा दी गई, कश्ती में बिठा के दुखानी कश्ती में वहाँ छोड़ आते थे, और उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं होता था। लोगों की जागीरें, ज़मीनें वो जब्त कर ली गईं। ये गालिब के खतूत में भी इसका तज़किरा बकसरत मिलता है। कहना यह चाहता हूँ कि खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम थी, और इसमें मुसलमान सहमे हुए थे, डरे हुए थे, क्योंकि उनके कदीम तालीम के ज़राए भी तकरीबन सब के सब ख़त्म हो गए थे, और दरबार के साथ जो लोग वाबस्ता थे उनकी पेंशन थी, तनख्वाहें थीं, वो भी बंद हो चुकी थीं, और लोगों की पकड़ धकड़ जारी थी। तो एक खौफ की फ़िज़ा थी, और एक जफा की एक रस्म थी जो चल रही थी। इस दौरान हमारे कौमी रहनुमाओं ने कुछ आपस में मिल बैठे, सर जोड़ के बैठे, और सोचा कि किस तरह मुसलमानों को इस खौफ और इस मायूसी की फ़िज़ा से निकाला जाए। तो हसरत मोहानी की ये गज़ल इसी कोशिश का एक हिस्सा है कि अंग्रेज़ों के इस जुल्म और जबर के दौर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इसमें एक उम्मीद का पहलू भी पैदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आजकल जुल्म और जफा की रस्में अपनी कामयाबी पर हैं, अंग्रेज़ अपनी रवायती चालाकियों में कामयाब नज़र आ रहा है, अभी तक तो वो कामयाब है, लेकिन ये जुल्म की रस्में हमेशा कायम नहीं रह सकती। रस्में जफा कामयाब, इसके बाद उन्होंने कॉमा लगाया है, इसमें सख्ता दिया है कि अगले हिस्से को अलग पढ़ा जाए, देखिए कब तक रहे। इस देखिए कब तक रहे के अंदर ये अंदाज मौजूद है कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये जुल्म की रस्म ज्यादा अरसा बरकरार नहीं रह सकती, बिलाखिर इसे खत्म होना है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और हजरत अली का कौल है कि हुकूमत कुफ्र से तो रह सकती है लेकिन जुल्म से बाकी नहीं रह सकती। तो लिहाजा जहां जुल्म होता है, यह बात तय शुदा है कि वह हुकूमत जल्द खत्म होने वाली है। रस्म जफा, अंग्रेजों ने जो मुसलमानों पर जफाएं और जुल्म रवा रखा है, बेशक अभी वो इसमें कामयाब हैं। क्यों कामयाब हैं कि मुजाहमत नहीं है, क्यों कामयाब हैं कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा, और जब तक मजलूम सहते रहते हैं जालिम को तकवीत मिलती है, कुवत मिलती है और तवाना होता है। इसीलिए दौरे हाजिर के एक दानिश्वर ने यह कहा कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से कोई उठेगा
उतनी बड़ी कुर्बानी देकर उस जुल्म से निजात हासिल करनी होगी। तो लिहाजा जुल्म के खिलाफ जितना जल्द कोई कयाम करे उतना जल्द जुल्म से आप निजात हासिल कर सकते हैं। रस्म जफा कामयाब, मान रहे हैं कामयाब है, हमेशा नहीं रहेगी। देखिए कि हम भी देखते हैं, आप भी देखिए, वक्त साबित करेगा हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कब ये खत्म होगी? हुब्बे वतन मस्त ख्वाब है, वतन की मोहब्बत खाबीदा है, वतन की मोहब्बत दिलों में सो चुकी है। इस वजह से रस्म जफा कामयाब है कि जालिम का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, उसको कोई जवाब देने वाला नहीं, ललकारने वाला नहीं है। जिस दिन हमारे मुसलमानों के दिल में वतन की मोहब्बत बेदार हो जाएगी, हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार हो जाएगा, हमेशा नहीं मस्त ख्वाब रहेगा, अगरचे इस वक्त मस्त ख्वाब है, गहरी नींद में सोया हुआ है। देखिए कब तक रहे कि मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब ये हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार होगा। बस वही घड़ी, वही लम्हा होगा जब जालिम के हाथ तोड़ दिए जाएंगे और रस्म जफा नाकाम हो जाएगी। दिल पे रहा मुद्दतों गलबाए यासो हरास, कब्जाए हजमो हिजाब, देखिए कब तक रहे। ये गजल एक मुसलसल गजल है अजीज तलबा, मुसलसल गजल उस गजल को कहते हैं जिसके तमाम अशआर मानवी एतबार से, मफहूम के एतबार से एक दूसरे के साथ मरबूत हों, मुनसलिक हों। अगरचे ये नज़म का खासा है लेकिन गजल में ऐसा हो सकता है, इसलिए उसको मुसलसल गजल कहते हैं कि उसमें एक ही तरह के ख्यालात शायर आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पर नाकाम जंग आज़ादी के बाद का एक मखसूस अहद उसकी तरफ इशारा है कि हमारे दिलों पर, बरसग़ीर के मुसलमानों के दिलों पर एक तवील अरसा तक मायूसी और गम ने गलबा किए रखा। गम किस चीज़ का? अपने 1000 साल इक्तदार के खात्मे, अपनी जाह हशमत और अपनी दुनियावी इज्जत का खाक में मिल जाने का सदमा। दिल पे रहा मुद्दतों कब्जाए यासो हरास, यास नाउमीदी। नाउमीदी किस चीज़ से? शायद वो ये समझ रहे थे कि अब हमें दोबारा कभी इक्तदार नहीं मिलेगा, हम शायद अब कभी आज़ाद नहीं हो सकें, शायद अब अंग्रेज़ हमेशा हम पर मुसल्लत हो जाएगा। लेकिन हसरत कहते हैं कि ये कैफियत ज़्यादा देर ना रही, अगरचे एक तवील अरसा तक बरसग़ीर के मुसलमान मायूसी और खौफ का शिकार रहे। इन दोनों कैफियत, वैसे इंसानी ज़िंदगी भी मायूसी और खौफ के दरमियान का एक अरसा है। इकबाल ने इसे अपनी एक नज़म में फरिश्ते आदम को जन्नत से रुख्सत करते हैं उसमें इसे मार्का बीमो रजा करार दिया है कि इंसान की ज़िंदगी खौफ और उम्मीद की एक जंग है। कभी खौफ मुसल्लत होता है, गालिब आता है, उम्मीद दब जाती है, कभी उम्मीद ऊपर आती है, खौफ दब जाता है। इंसानी ज़िंदगी इसी के दरमियान बसर होती है। तो दिल पे रहा मुद्दतों कब्जाए यासो हरास, हरास खौफ और यास नाउमीदी। मुद्दतों रहा का ये साफ मालूम हो रहा है कि अब नहीं है, अगरचे बड़ी मुद्दत तक मायूसी ने और खौफ ने मुसलमानों के दिलों पर कब्जा रखा कि ये अपने हकूक के लिए ना सामने आए ना इन्होंने कोशिश की। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो खौफ भी अब ख़त्म हो गया है, वो हरास भी। कैसे? कौमी रहनुमाओं की कोशिश से। लेकिन अभी एक चीज़ इनमें मौजूद है, वो क्या है? शर्म है, हिजाब। अभी इनको शर्म खाई जाती है, अब हम कैसे बाहर निकलें, अब हम कैसे कोशिश करें। और उसके साथ हज़्म यानी एहतियात, एहतियात खौफ के मारे हुए को एहतियात होती है। लोग बाहर नहीं निकलते, जुल्म के खिलाफ उठते नहीं हैं, और जब तक जुल्म के खिलाफ कोई उठता नहीं है जालिम तो मजबूत होता रहता है। जालिम मजलूम के खून पर पलता रहता है और जालिम अंदर से बहुत टूटा हुआ और कमज़ोर होता है। लेकिन कमज़ोरों पर कुछ ऐसा रोब होता है कि वो उसे ताकतवर समझ रहे होते हैं। जब उसके हाथ को कोई रोकने वाला आ जाता है तो वो रेत की दीवार साबित होता है। तो यही हसरत कह रहे हैं कि मैं पुर उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह वो वक्त करीब है कि जब मुसलमानों के दिलों से मौजूदा कैफियत जिसमें वो अभी थोड़ा मुहतात होकर चल रहे हैं, उनके दिलों में अभी थोड़ा सा खौफ है और थोड़ा सा शर्म महसूस कर रहे हैं, इसका कब्जा अभी तक है। जब इनके दिलों से हिजाब यानी शर्म और एहतियात का कब्जा खत्म हो जाएगा, ये वही वक्त है कि जब ये रस्म जफा नाकाम होगी और जालिम के जुल्म के हथकंडों को रोका जा सकेगा। तो एक उम्मीद का पहलू उन्हें नजर आता है कि जैसे खौफ व हरास नहीं रहा, खत्म हो गया,
अब कम से कम हम कौमी धारे में दोबारा मुसलमान वापस आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा जो उनमें शर्म सी बाकी है और थोड़ा सा एहतियात का पहलू है, जब ये इस खलीज को भी पाट देंगे तो फिर इंशाल्लाह आज़ादी के हसूल बहुत सहल और आसान हो जाएगा।